मेरे गांधी, आज के युग धर्म यानी राजनीति के कर्मयोगी गांधी हैं। असंख्य लोगों की बात सुनने वाले गांधी, असंख्य लोगों को अपनी बात पहुंचाने वाले गांधी, असंभव से सपने को संभव बनाने की जमीन तराश करने वाले गांधी, सच की जिद पर अड़ने वाले गांधी, लेकिन उस सच को हासिल करने की संभावनाएं बनाने वाले गांधी, राजनीति को पवित्र बनाने वाले गांधी, पवित्र को राजनीति में लाने वाले गांधी, उस गांधी से मैं सीखना चाहता हूं। वो है मेरा गांधी। गांधी की राजनीति केवल जनता की बात को सुन के उसको लाउडस्पीकर में डालने की राजनीति नहीं थी। गांधी की राजनीति जनता की बात को बदलने की, उन्हें दोबारा सोचने पर प्रवृत्त करने की, उनको सुनाने की राजनीति भी थी। आज किसान आंदोलन को उसकी ज़रूरत है। आज किसान आंदोलन को अगले 5 साल नहीं, अगले 50 साल देखने की ज़रूरत है। और वहाँ गांधी एक स्रोत हो सकते हैं। गांधी की जो आलोचना नहीं कर सकता, वो गांधी से स्नेह नहीं कर सकता। हमें खुल के गांधी की आलोचना को आमंत्रित करना चाहिए। गांधी की कई खामियां थीं जिनकी तरफ खुल के हमें बात करनी चाहिए। जब तक हम गांधी किन बातों में अप्रासंगिक है ये कहने की हिम्मत नहीं करेंगे, तब तक कोई हम पे एक पैसा विश्वास नहीं करेगा कि गांधी प्रासंगिक क्यों है। जो व्यक्ति किसी को झूठ नहीं बता सकता, वो व्यक्ति सच के सर्टिफिकेट बांटता रहे, उस पर कोई विश्वास नहीं करता। गांधी इनोवेटर थे, हम भूल जाते हैं। गांधी पुराने शब्दों का इस्तेमाल करते हुए ऐसी नई बात कह रहे थे जो अपने ज़माने में क्रांतिकारी थी। हिंदू धर्म को अहिंसा के साथ शायद 1000 साल में किसी व्यक्ति ने नहीं जोड़ा, गांधी ने जोड़ दिया। आज इस देश को एक ऐसे गांधी की ज़रूरत है जो गांधी के बनाए हुए पुराने ढकोसलों को हटाए और जो एक नए प्रतीक गढ़ सके, हमारे समय के लिए नए प्रतीक बना सके, नई भाषा बना सके, एक दर्शन से इसे जोड़ सके। हर रोज की राजनैतिक गतिविधि को किसी एक लंबे बड़े दूरगामी उद्देश्य से जोड़ने का काम जो गांधी करते हैं, अपनी हर चिट्ठी में, हर 5 मिनट की मुलाकात में, हर बयान में, वहाँ से सीखना चाहिए गांधी को। गांधी विचार और गांधी कर्म स्वराज के हर स्तर को जोड़ता है। दुनिया के लिए स्वराज, देश के लिए स्वराज, मेरे समाज का स्वराज और मेरा स्वयं का स्वराज। इतनी गहरी राजनीति किसी ने नहीं कही गांधी के सिवा।